कोई बात भिक्षु हो, भीख मांग करके खाता हो, मुफ्त का नहीं खाता हो, लेकिन इसका नाम क्या दे दिया? भिखमंगा। जबकि खुद भिखमंगा है और यह भिखमंगा नाम दिया हम लोगों, यानी भिक्षु मांग करके खाया तो मुफ्त में भिखमंगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपको इसी तरह से यह भटकाता रहे। उठो और जागो, अपनी सत्ता पकड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग बहुत दिन सो लिए, अब जगो। व्यक्ति फ्यूचर में बाबा साहब के परिणय निर्वाण दिवस को जोर शोर से नहीं मनाए, उस योजना को 6 दिसंबर में बदल दिया। अब इससे भी पीछे जाए, ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया और इन योजनाओं को फेल करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। यह कोई संयोग नहीं है, योजनाओं को फेल करने की योजना रहती है। पेरियार की आंदोलन चल रहा था 25 में, और 25 में आरएसएस की स्थापना। आप जब जब सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन चलाते हैं उन आंदोलनों को धार्मिक आंदोलन से फेल किया जाता है। हमें इस बात को समझना होगा। ज्योतिबा फुले इनको कलम कसाई कहते थे। अभी देखिए इस पर लिखा हुआ है आरक्षण। रियल में बाबा साहब संविधान में रिप्रेजेंटेशन दिए थे, रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। अब प्रतिनिधित्व को चर्चा आ गया आरक्षण पर। जैसे क्या है कि मताधिकार, मताधिकार को कहने लगा मतदान, यानी आप अपने मतदान कीजिए, दान कर दीजिए, अधिकार नहीं दान। ये चीज जो है ना हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये दूसरे तरफ कर देता। जैसे अभी आप देखें, अभी जो कोरोना काल चल रहा था इसका नाम दिया सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्या? ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और शूद्रीय दूरी बनाए रखी है, जबकि ओनली होना चाहिए कीप डिस्टेंस। पोखरण में जब परमाणु विस्फोट हुआ उसका नाम रख दिया मुझसे मुस्कुराए। अब जरा सा बताइए, अभी तो परमाणु विस्फोट होगा क्या बुद्ध मुस्कुराएंगे? लेकिन उसका नाम रखा जाता है बुद्ध मुस्कुराए। ये है कलम कसाई। इस चीज को हमारे लोगों को डीपली समझने की जरूरत है। इससे भी पहले देखिए, आज भी आप लोग गलियों में कभी नहीं देखे होंगे कि कोई बहुत भिक्षु भीख मांग करके खाता हो, मुफ्त का नहीं खाता हो, लेकिन इसका नाम क्या दे दिया? भिखमंगा। जबकि खुद भिखमंगा है और यह भिखमंगा नाम दिया हम लोगों, यानी भिक्षु मांग करके खाया तो मुफ्त में भिखमंगा। तो ये जो है ना ये कलम कसाई वाली बात, इस चीज को समझना। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपको इसी तरह से यह भटकाता रहेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रसंग कहूंगा। एक शेर का बच्चा था, वो अपने माँ से बिछुड़ गया था और वह भेड़ बकरी के साथ रहने लगा, लेकिन वह था शेर का नस्ल। वो जब बड़ा हुआ एक बार जंगल का शेर देखता है, अरे ये मेरा जो है, ये मेरा वंशज, ये भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। दौड़ करके उस युवा शेर को पकड़ा और नदी के किनारे में पकड़ करके लाया और उसको गर्दन जो है पानी में डुबोया। वह युवा शेर पहली बार अपनी परछाई पानी में देखा। जब वह परछाई देखा तब उसको एहसास हुआ कि मैं शेर हूं। उसका तुरंत पूंछ सीधा हो गया, जंगल का शेर समझा कि लगता है इसको शेर होने का एहसास हो गया। और जो ही वो शेर दहाड़ा
चंदन का शेर युवा शेर ने तहा लगाया और छलांग मार दिया बूढ़ा शेर पर। बूढ़ा शेर ने कहा बेटा रुक जा, तू मेरा वंशज है, तू भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है, तुझे जंगल पे राज करना है और तू भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। इसी तरह से आप लोगों को भी उसी बूढ़े शेर की भांति या मैं आप लोगों को ललकारता हूँ, आप भी बुद्ध सम्राट अशोक बाबा साहब कबीरदास रविदास के वंशज हो, कहाँ घास चबाने के लिए जाते हो, उठो और जागो, अपनी सत्ता पकड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग बहुत दिन सो लिए, अब जगो। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया फिगड़ों में रहकर नाम किया। नमो बुद्धाय, जय भारत।